आईफोन में व्हाट्सअप वॉलपेपर कैसे लगाया जी? दोस्तों, अगर आप जो है किसी पर्सन से चैट वगैरह करते रहते हो और आप जो है उस पर जो है साइड में देखोगे तो एक तरीके का वॉलपेपर होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट्सअप की तरफ से आता है, लेकिन आपको व्हाट्सअप पे एक ऐसा फीचर दिया जाता है जिससे आप जो है उस वॉलपेपर को चेंज भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, कैसे हम जो है अपने आईफोन में वॉलपेपर लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और किस तरीके से दिखाई देता है वॉलपेपर लगने के बाद, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो वॉलपेपर आता है व्हाट्सएप की तरफ से वो दिखा देता हूँ। देखिए, कुछ इस तरीके से काफ़ी तरीके का यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है। जैसे कि यहाँ पे हम किसी भी पर्सन को बात करने के लिए जाते हैं तो ये देखिए, ये हमारा तो चैट मैसेज है, ये सब ठीक है ना, लेकिन इसके पीछे में ये जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है वॉलपेपर, इसी को बोलते हैं, ये जो कलरिंग है वाइट वाइट ये साइड साइड का, वही दोस्तों आपका जो है वॉलपेपर है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला है जो कि व्हाट्सएप की तरफ से आता है। चलिए हम जो है इसको वॉलपेपर को नया जो लगाते हैं और चेंज करना कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब आप जो है व्हाट्सएप ऐप को ओपन कर लोगे तब उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आपके आईफोन के व्हाट्सएप ऐप के अंदर सेटिंग ऐप पे चले जाना है। जैसे ही सेटिंग ऐप के अंदर आप आ जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा चैट का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। चैट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा चैट वॉलपेपर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से जो वॉलपेपर रहता है वो दिया रहता है। अब यहाँ पे हम जो है न्यू वॉलपेपर लगाएंगे तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों, अगर आप जो है न्यू वॉलपेपर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे दो कंडीशन बनता है। एक तो व्हाट्सअप की तरफ से आने वाला जो वॉलपेपर है उसको आप लगा सकते हो। एक है दोस्तों, आप जो है अपने आईफोन की गैलरी पर जो भी फोटो है उसको भी अपने आईफोन के अंदर व्हाट्सअप के अंदर वॉलपेपर के थ्रू यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि आपका फोटो है या कोई अच्छा सा फोटो आपने क्लिक करके रखा है उसको भी आप जो है अपने आईफोन के व्हाट्सएप के वॉलपेपर के लिए लगा सकते हो। चलिए उसी को हम जो है पहले लगा के देखते हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी तरीके का फोटो यहाँ पे क्लिक करके रखा है और उसी को मैं आपको जो है व्हाट्सएप का जो प्रोफाइल है उस पर लगाना बताता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये फोटो है, ये आप देख सकते हो, और इसको मैंने यहाँ पर कस्टमाइज करके इस तरीके से लगा रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ पे सेट कर देंगे। अब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से वॉलपेपर लग चुका है व्हाट्सअप का। अब जो है हम किसी से चैट करेंगे, जिससे भी हम चैट करेंगे उसके पीछे में ये देखिए, इस तरीके से जो बैकग्राउंड है वो इस तरीके से जो वॉलपेपर है वो लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वॉलपेपर लगा सकते हो अपना खुद का जो फोटो है उसको। आप जो है किसी भी पर्सन से बात वगैरह करोगे उसके में भी इस तरीके से बैकग्राउंड में जो ये वॉलपेपर है वो दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर हम इसको डिलीट करते हैं मैसेज को, तो यहाँ पे जो है इस मैसेज को हम डिलीट कर देते हैं, ये देखिए, और इस तरीके से यहाँ पे है, ये देखो इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप वॉलपेपर लगा सकते हो। अब चलिए हम जो है जो फोटो वॉलपेपर है उसको हम यहाँ पे चेंज करके, यहाँ पे जो ब्राइट वाला ऑप्शन है उसके अंदर यहाँ पे काफ़ी तरीके का वॉलपेपर है, आप देख सकते हो। इनमें से कोई सा भी एक वॉलपेपर है उसको हम लगा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनमें से मैं देख लेता हूँ कौन सा वॉलपेपर सही लग रहा है मेरे हिसाब से। आप अपने हिसाब से जो भी वॉलपेपर लगाना चाहते हो उसको आप इजीली यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे आपको सेट कर देना है। उसके बाद इस तरीके से वॉलपेपर लग जाएगा, ये आप देख सकते हो। मैंने एक नया वॉलपेपर लगा दिया है फ़ोटो को चेंज करके। यहाँ पे अगर मैं जो है क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वॉलपेपर है ये पीछे साइड का जो हमने चैटिंग किया है उसके पीछे में जो वॉलपेपर है वो चेंज हो चुका है, जैसे पहले मैंने फ़ोटो लगाया था। अब इस तरीके से आपको करना होता है दोस्तों। अगर आपको फिर से जो है वॉलपेपर चेंज करना है, बदलना है, तो सेटिंग पर आ जाइएगा। सेटिंग पर आने के बाद चैट वाले ऑप्शन पर आ जाइएगा, चैट वॉलपेपर पे आ जाइएगा, और यहाँ पे वॉलपेपर चॉइस कर लेना है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे चॉइस कर सकते हो, ठीक है। ये कलरिंग वाला है, डार्क वाला भी है यहाँ पे काफ़ी तरीके का, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो जो आपको सही लगता है दोस्तों। और इस तरीके से आप जो अपने आईफोन में वॉलपेपर चेंज करोगे और जिससे कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वॉलपेपर है वो काफ़ी कूल लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में, तो इस तरीके से आप जो यहाँ पर सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरीके से फिर से वॉलपेपर चेंज कर दिया है, ये देखिए इस तरीके से। और जो भी मैं चैटिंग करूँगा इसी के पीछे वॉलपेपर दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप जो अपने आईफोन में व्हाट्सअप पे वॉलपेपर चेंज कर सकते हो करके। दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।